करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बहुत बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल यहां पर तेज इस दिशा में कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले हैं, निर्दलीय विधायक, निर्दलीय विधायकों की मुलाकात, पल्लव देव से मिले चार निर्दलीय विधायक, ये इस वक्त की सबसे अहम खबर। धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद ने मुलाकात की है, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान ने भी मुलाकात की है। ये चार निर्दलीय विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मुलाकात, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, पल्लव देव का बयान इस बीच सामने आया। हरियाणा में सियासी हलचलें तेज हो गई है इस मुलाकात के बाद। और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, चार निर्दलीय विधायकों की मुलाकात यहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी से, इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल अंजलि, देखिए राजनीति में जितना करना होता है उससे ज्यादा दिखाना भी पड़ता है और ऐसा ही माना जाता है। यही कारण रहता है कि जब अक्सर नेता बयान देते हैं तो उसका बखान भी बहुत ज्यादा किया जाता है। इस मुलाकात और इस तस्वीर को लेकर भी कुछ इसी प्रकार की कयासबाजी और चर्चाएं बहुत तेज हो रही हैं। दरअसल ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक छुपा हुआ संदेश भी है, जिसको आप उस बयान के आधार पर समझ सकते हैं जिसमें विप्लव देव ने कहा था कि देखिए आपने कोई एहसान नहीं किया है, फ्री में कुछ भी नहीं है, आपके कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। उस बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें निर्दलियों का साथ है, किसी गलत फहमी में रहने की जननायक जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त उन्होंने एक शब्द कहा, निर्दलीय विधायकों का भी हमें साथ है। और तस्वीर देखिए जो कल शाम को सामने आई है, जिसमें चार निर्दलीय विधायक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चारों निर्दल, बेहद दिलचस्प बात यह अंजलि, देखिए चारों जो निर्दलीय विधायक है शुरू से सरकार के साथ हैं, लेकिन तस्वीर जिस वक्त सामने आई उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि माना जा रहा है कि नैनपाल रावत की भी मुलाकात हो सकती है, हालांकि इंतजार करना होगा उस तस्वीर को लेकर भी, लेकिन इस तस्वीर के पीछे लगातार कयासबाजी और चर्चाएं इसी तरह की है। दरअसल एक पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरा माहौल तैयार होने की शुरुआत उस वक्त हुई जब एक बयान सामने आया जिसमें जींद की उचाना सीट का जिक्र किया गया, जहां से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधानसभा पहुंचते हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी, ये कहना था विप्लव देव का। और उस बयान के बाद से ही वार पलटवार का दौर शुरू हुआ जो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजीव बालियान का रिएक्शन आया, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, दोनों की नीतियां अलग अलग हैं। उसके बाद हमने देखा कि केसी बांगड़ जो जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी ओर से रिएक्शन आया, उन्होंने भी एक पलटवार के सुर में उनकी ओर से रिएक्शन दिया गया। और इसी तरह से देखा जाए तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। और जो कल की मुलाकात हुई है उसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है उस नजरिए से, चूंकि लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं जो विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि गठबंधन टूट सकता है, और अगर टूटता है रितेश, तो रितेश आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। सवाल सबसे पहला यही कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? देखिए बिल्कुल ठीक चल रहा है, गठबंधन सरकार का है और सरकार बहुत सही काम कर रही है, सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन जिस विषय पे आप बात करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि जिन विधायकों से विप्लव जी की मुलाकात हुई है उन विधायकों ने तो स्वयं मीडिया में आके स्पष्ट कर दिया कि मुलाकात का उद्देश्य क्या था। और जब वो विधायक स्वयं बता चुके हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां जो प्रदेश की हैं उस सिलसिले में उनकी विप्लव जी से बात हुई है और भी उन्होंने चर्चा की है, तो जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई है उनके बारे में बहुत ज्यादा कहने की स्थिति में मैं भी नहीं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, अभी जो सवाल उठ रहे हैं उचाना सीट को लेकर, जो बयानबाजियां हाल के दिनों में हो रही हैं दोनों ही तरफ से, उस पर तो सवाल यहां पर उठेंगे। क्या आपके पास आऊंगी, दीप कमल सारण जी भी हमारे साथ प्रवक्ता जेजेपी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका भी जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। दीप कमल सारण जी, आखिर गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? हाँ देखिए, गठबंधन सरकार जो चल रही है दोनों दलों की, उसमें सब चीजें अपने हिसाब से हो रही हैं, प्रशासन के काम, सरकार के काम और जो विकास के काम होते हैं प्रदेश के लिए जी, वो सब चीजें हो रही है निरंतर जी। लेकिन दीप कमल सारण जी, अभी जो फिलहाल स्थिति उचाना सीट को लेकर जो बयानबाजियां यहाँ पर चल रही हैं, गठबंधन को लेकर जो बयानबाजियां चल रही हैं, सर उसके मायने क्या कुछ निकाले जाए यहाँ पर? नहीं, उचाना सीट को लेकर तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार चाहता है कि वहां से चुनाव लड़े, वो उनकी इच्छा है, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी वहां से विधायक हैं, 48,000 वोटों से जीते हैं जी। उचाना के लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको और उसी हिसाब से वो वहां के काम भी कर रहे हैं। आने वाला जब चुनाव आएगा तब दोनों दल मिलकर जो गठबंधन के हिसाब से निर्णय लेंगे, उसके बाद ही अगले चुनाव में कौन कैंडिडेट होगा
इस बारे में चर्चा की जा सकती है। लेकिन दावेदारियां तो अभी से यहाँ पर निकलने लग गई हैं प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि अभी तो बातचीत का यहाँ पर बात चल रही है कि बातचीत करेंगे दोनों दल और फिर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन दावे तो यहाँ पर नाम के भी हो रहे हैं सामने सामने। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गठबंधन किया गया है, गठबंधन धर्म जो है वो जेजेपी ने निभाया है, लेकिन कोई एहसान नहीं किया है विकास के लिए, हम लोगों ने गठबंधन किया था यहाँ पर। देखिए ये तो हरियाणा की जनता ने 2019 में जिस तरह का फ्रैक्चर मैंडेट दिया था, स्वाभाविक है 5 साल के लिए एक मजबूत सरकार चलाने के लिए हमें सहयोगी की आवश्यकता थी और जेजेपी ने हमें सरकार चलाने में सहयोग दिया। लेकिन संगठन की दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारा कोई सांगठनिक गठबंधन जेजेपी के साथ नहीं है। विप्लव जी ने जो उजाला के लिए कहा है वो विप्लव जी की ड्यूटी भी, दायित्व भी है, क्योंकि वो प्रभारी है और भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा सीटें जीते, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उचाना सीट पे भी हमारा उम्मीदवार हो, हम उचाना सीट जीत के निकले, ये प्रयास विप्लव जी करेंगे। लेकिन अगर कोई सांगठनिक गठबंधन हो जाता है भविष्य में तो उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिया जाए। आज विप्लव जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही उनकी ड्यूटी है, यही उनका कर्तव्य है, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ केवल ढिंगरा जी भी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार। केवल ढिंगरा जी, अभी जो हरियाणा की सियासत में चल रहा है और एक गठबंधन जो यहाँ पर लगातार चला आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ऐसे दरार सी होती दिख रही है। 4 विधायक निर्दलीय विधायक जो है वो बीजेपी प्रदेश प्रभारी से मिले हैं, लेकिन इससे हरियाणा की सियासत में और कांग्रेस के आगे की रणनीति में क्या प्रभाव पड़ता दिख सकता है? देखिए ये स्वार्थ का गठबंधन था और लूट का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने हरियाणा की जनता में जो हरियाणा की गाड़ी कमाई का पैसा है उसकी लूट की है। हमारा प्रदेश जो है कई लाख करोड़ कर्जे के नीचे आया है और जिस तरीके से लूट की है वो 4 साल स्वार्थ का गठबंधन था और अब वो गठबंधन जो है वो छिन्न भिन्न हो रहा है और मुझे लगता है जेजेपी नाम का सिस्टम खत्म हो गया है हरियाणा के अंदर और बीजेपी जो है चुनावों के अंदर, चुनावों के बाद लुप्त हो जाएगी। इसका भी बीजेपी का भी काम जो है वो किनारे पे लग जाएगा, दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। जहां तक जेजेपी की बात है, जेजेपी तो खत्म हो चुकी है इस समय, क्योंकि जेजेपी के सभी लोग इधर उधर छटपटाने में लगे हुए हैं। उन्होंने 4 साल जो जेजेपी के सुप्रीमो ने और जो इन लोगों ने जिस तरीके से घुटाले हुए हैं, एसआईटी बनी है, एसआईटी के रिपोर्टें गायब हुई है, कोई किसी चीज की जो बंदरबांट या जो पैसों की लूट हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं बचा। तो अब जेजेपी इसलिए घबराई हुई है, इसलिए खत्म हो चुका है और एमएलए इधर उधर भाग रहे हैं। तो बाकी अदरवाइज जो है इसका जो जनता का नुकसान हुआ है, लोग इस चीज को देख रहे हैं और दोबारा फिर वही सिस्टम देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो बहुत अच्छा काम किया था, 14 गुना बजट बढ़ाया था अपने टाइम के अंदर और हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। आज हरियाणा जो है वो क्राइम में नंबर 1 है और बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो जो हालात किए हैं उससे लोग अब समझ चुके हैं और इनका दोनों पार्टियों का हरियाणा से जाना तय हो रखा है और इनको दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरे सहयोगी रितेश कुमार गौतम भी बने हुए, रितेश आपका भी एक सवाल। अंजलि मेरा सवाल दीप कमल सारण जी से है। दीप कमल सारण जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बात कही जा रही है, वो ये कह रहे कि 2019 में ऐसा माहौल बना था, ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि हमें गठबंधन करना पड़ा, उसमें कहीं ना कहीं मजबूरी का भाव दिखाई देता है। लेकिन 2023 में उसी भाव में ये कहा जा रहा है कि देखिए 2019 में ऐसा माहौल था इसलिए हमें वो फैसला लेना पड़ा। 2023 में क्या परिस्थितियां बदल गई हैं अब? और दूसरा सवाल, जो तस्वीर पोस्ट की गई, जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को देखकर आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं देखिए, मैं पहले तो दूसरी बात, क्योंकि वो नई बात तो यही है कि विधायक निर्दलीय विधायक मिले हैं, बाकी बातों पर तो हम 4-5 दिन से चर्चा कर ही रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो पहले हरियाणा भाजपा के प्रभारी थे अनिल जैन जी, उनसे भी निर्दलीय विधायक निरंतर मिलते रहे। उसके बाद विनोद तावड़े जी थे, उनसे भी निरंतर मिलते रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकातें हुई हैं, उनके यहाँ पे कार्यक्रमों में जाते रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी से भी निर्दलीय विधायक अलग से इकट्ठा होकर भी मिलते रहे हैं। अब उनका ऐसी परिस्थिति में विप्लव देव जी से मिलना, क्यों किसी को ये लगता है कि उससे जेजेपी की कोई खतरा है? क्योंकि ये तो हमेशा ये छोटा सा प्रदेश है, माफ करना टोक रहा हूँ सर आपको, एक छोटा सा सवाल इसलिए, ये सवाल इसलिए है क्योंकि बयान इस बात पर दिया गया
इस वक्त जो समस्या आ रखी है वो बीजेपी और जेजेपी के बीच में वार पलटवार की हो रखी है, और मुलाकात किससे हो रही है? मुलाकात निर्दलीय से हो रही है, टाइमिंग को लेकर दरअसल सवाल यहाँ पर उठ रहा है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि ये तो निरंतर मिलने की चीजें तो हमेशा होती रहती हैं। आपका स्पॉटलाइट, आपका ध्यान अब वाली मुलाकात पे गया है। इससे पहले 200 बार ऐसी मुलाकातें हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी ले मिल चुके हैं अलग अलग रूप से। मुलाकातें सर इसलिए भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो गई है दीप कमल सारण जी, मुलाकातें इसीलिए तो आप बार बार इम्पोर्टेंट कहते रहिए, मैं तो अपना इसीलिए क्योंकि अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जेजेपी ने एहसान नहीं किया है, अगर जेजेपी साथ छोड़ती है तो भी हम यहाँ पर बहुमत में है, इसीलिए मुलाकात पर ज्यादा स्पॉटलाइट दिया जा रहा है। उस बात को भी 4 दिन हो गए हैं, वो भी बुधवार की बात थी। मुलाकात आज हुई, कल शाम को हुई है ये मुलाकात। चलिए मुलाकात कल शाम को हुई है तो वही हम बार-बार इसी पर बात इसीलिए कर रहे हैं सर। ऐसा लगता है आपको हर दिन लगता है, ऐसा हर दिन ऐसा लग रहा है पिछले एक हफ्ते से, और बहुत सारे लोगों को तो हर दिन 3.5 साल से लग रहा है। उनकी इच्छा ऐसी है, वो सुबह उठते हैं तो ये सोचते हैं कि आज गठबंधन में कुछ गड़बड़ हो और टूटे। शाम को सोने से पहले एक दुआ करके सोते हैं कि कल सुबह टूटा हुआ मिले। तो उससे स्थितियां तय नहीं होती हैं, स्थितियां तो लोगों के वोट से और विधानसभा की जो स्थिति है उससे तय होती है। आज के दिन जितने निर्दलीय विधायक है उतने ही तो 3.5 साल पहले थे जी, उतने ही तो थे ना 3.5 साल पहले जी। और आखिरी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ है आदमपुर का, उसको हुए भी हुए भी 7 महीने बीत गए हैं। 41 हो गए उसके बाद, थोड़े है किसी तरह 41 हो गए उसके ना। हम मैं वही कह रहा हूँ, उस 41 जो संख्या हुई है उसको हुए भी 7 महीने हो गए हैं। आज के दिन विधानसभा में कोई परिस्थिति तो नहीं बदली ना, कोई हमारा गारंटी आगे के लिए भी नहीं है ना सर, क्योंकि अभी बयानबाजियां हो रही हैं, डॉक्टर मरीज इस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, पेट में दर्द इस तरीके की बयानबाजियां, आप तो उससे वाकिफ होंगे सर, तभी ये सवाल पूछ रहे हैं हम लोग। आप मैं वही कह रहा हूँ, आप आगे की कह रहे हैं कि आगे की गारंटी नहीं है, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि लोगों की कुछ लोगों की तो इच्छा 3.5 साल से है और वो उसी दिशा में देखते हैं। हम प्रदेश के विकास की दिशा में देखते हैं, अपनी पार्टी के विस्तार की दिशा में देखते हैं, एक मजबूत सरकार के रूप में देखते हैं कि उस पर किसी ऐसे गलत लोगों की नजर ना लगे। वो सब जगह पर हैं ऐसे लोग। प्रवीण अत्रे जी से भी, प्रवीण अत्रे जी पहले भी इस तरह की समस्याएं और ऐसे मौके पड़े थे जब दोनों ही सहयोगी दलों के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उस वक्त दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने बड़े नेताओं ने साथ बैठकर मुलाकात की और उस पूरी समस्या का उस वक्त हल किया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं वो दिखाई तो नहीं पड़ रहा है टीवी पर। लेकिन पहली बात तो ये है कि जो आप निर्दलीय विधायकों से मुलाकात की बात कर रहे हैं जी, निर्दलीय विधायकों से मुलाकात जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे प्रभारी है, क्योंकि जितने निर्दलीय विधायक है उनमें जैसे 7 विधायक हैं, 6 जो है पहले से सरकार को समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल जी, गोपाल कांडा जी वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो जो लोग पहले से सरकार के साथ हैं उनके साथ कोई मुलाकात होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है, क्योंकि हरियाणा के जो राजनीतिक हालात है, चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है, तो उस विषय पे चर्चा करना प्रभारी जी का एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ देखने के या कुछ इस तरह के आप निकालने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक बात आप कह रहे हैं, बार बार एक बात चर्चा में आ रही है कि मन मुटाव, देखिए गठबंधन सरकार का है, मुख्यमंत्री महोदय तक इस बात को स्पष्ट कर चुकी है, संसद में हमारा कोई गठबंधन फिलहाल नहीं है। और अगर सरकार में गठबंधन है और सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है, सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। लेकिन अगर हम आते हैं संसद की तरफ, तो हमारी ये कोशिश है कि हम 90 के 90 विधानसभा सीटों को जीते, उसके ऊपर हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। और हमें नहीं, हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है, बीजेपी भी ये प्रयास कर रही है, बाकी दल भी ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो दीप कमल जी कह रहे थे, कांग्रेस के लोग दिन रात मुझे लगता है सपना लेके सोते हैं कि गठबंधन कब टूटे, और जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से होती है, हम तो दो अलग राजनीतिक दल है, बीजेपी और बीजेपी, कांग्रेस की अलग स्थिति आप देख लीजिए। आज कल ही शैलजा जी ने क्या कहा, भूपेंद्र हुड्डा साहब को एडियो सीएम कहने डिक्लेयर किया थे उदयवान जी ने, तो उसमें एक पार्टी के बीच में जो हो रहा है हमें लगता है कि वो चर्चा का विषय ज्यादा है। जवाब ले लेते हैं, केवल ढिंगरा जी प्रवीण अत्री जी कह रहे हैं कि हमारे घर को छोड़िए, अपने घर के भीतर खाने देखिए क्या चल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि दिन रात के सपने यही आते हैं कि गठबंधन टूटने वाला है। नहीं देखिए, बात ये है, गठबंधन तो बता रही है, इसको तो लास्ट एंड मूवमेंट पे है, लेकिन अभी 1.25 साल पड़ा है सरकार का, तो ये गठबंधन का इसीलिए देखिए, अगर इंडिपेंडेंट विधायक विप्लव देव ठाकुर जी ने बुलाए हैं या वो मिल रहे हैं, इसका इशू आकलन करने की बात है, वो बुलाए गए हैं या ये मिल रहे हैं,
और उनको उनको क्या प्रभार सौंपने की तैयारी है और जेजेपी को बाहर करने की तैयारी है? ये सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये गठबंधन ही तो आपका था। इन लोगों ने जो हरियाणा में लूट बताई है, असल में तो उस बात का सवाल है, हरियाणा के जनता का पैसा लूटा है वो। ये जिस समय दोनों हाथों से दोनों पार्टियां जो सरकारें हैं वो लूट रही थी बैठ के आपस में मिलके, उस समय तो चर्चा का विषय नहीं बने। और जो जो हर रोज एसआईटियां बन रही थी उन अंडर टेबल क्यों कर दी गई? वो जो धान घोटाला हो रहा था, बिजली ग्रीड घोटाला हो रहा था, इन चर्चाएं इन चीजों में देखा नहीं गया। इन चीजों में देखा जाता तो आज हमारे हरियाणा की जो कर्जा है वो 4 लाख करोड़ से ऊपर नहीं हो जाता। और बहुत ही लूट तंत्र हुआ है हरियाणा के अंदर। नहीं तो कांग्रेस को इससे क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि दो पार्टियों में जो चल रहा है, आपके वहां पे भी तो कुमारी शैलजा गुट अलग, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग, यहाँ पर गुटबाजी तो लगातार कांग्रेस में भी रही है और इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं दोनों ही पार्टी। ये विपक्षी पार्टियों का प्रोपोगंडा है, हमारे यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है। और जो आप बयान की भी बात कर रहे हैं कि इस तरह से बयान है, कोई बयान नहीं है उदय भाट जी का, ये झूठ बोलते हैं। आप मुझे उदय भान जी का बयान दिखा दे, कहां गया उन्होंने कहा है? उदय भान जी ने तो कुछ कहा ही नहीं है, झूठे बयान है सब, झूठ की बातें। प्रोग्राम कांग्रेस ने किया था उसमें उदय भान जी का भाषण सुन लीजिए, कुमारी शैलजा जी का दिया बयान वो एक बार पढ़ लीजिए। कुमारी शैलजा जी कह रहे हैं उदय भान जी को अधिकार ही नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने का। अरे भाई वो ये सब जो हो रहा है बात नहीं करना, बयान पढ़ ले। और दूसरी बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें के समय हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति थी और आज जो हरियाणा की आर्थिक स्थिति है उस पर अगर हम नजर डालते हैं तो पता लगता है कि लूट तो कांग्रेस के समय थी। 38,000 करोड़ रुपए का बजट था कांग्रेस के समय में हरियाणा का, आज लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है। कांग्रेस के समय जीएसडीपी कितनी थी? 4.25 लाख करोड़, आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। लगभग 1100 करोड़ रुपया जनता का डीबीटी शुरू होने से बचा, वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था कांग्रेस के समय में? पूछिए इनसे एक बार, 1100 करोड़ रुपया जब पता लगता है डीबीटी के जरिए कि ये पैसा किसी की जेब में जा रहा था, इनसे पूछिए वो किसकी जेब में जा रहा था? 3.25 लाख बुढ़ापा पेंशन ऐसी थी जो लोग इस दुनिया में नहीं थे उनके नाम से जा रही थी कांग्रेस के समय में, पूछिए इनसे किसकी जेब में जा रही थी? लूट इन्होंने उठाई हुई थी, 70,000 एकड़ जमीन किसानों की सीएजी के नाम पे लूट गए। और उसके बाद से आप तो यहाँ प्रटेंड कर रहे हैं कि प्रवीण अत्रे जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण अत्रे जी, ठीक है, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे जो यहाँ पे, इसको तो लेकर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब बात, क्योंकि आज मुद्दा यहाँ पर यही है कि 4 निर्दलीय विधायकों की मुलाकात और आखिर क्या बात हुई, क्या जीत हुई, ये यहाँ पर मुद्दा काफी ज्यादा अहम है। इस पर हम बैठे क्योंकि लगातार जो 4-5 दिनों से बयानबाजियां चल रही है ना सर, इसीलिए ये ज्यादा विवश होना पड़ रहा है कि ये सवाल पूछने के लिए कि आखिर हरियाणा की सियासत में चल क्या रहा है, गठबंधन जो प्रदेश के विकास के लिए हुआ था वो आखिरकार यहाँ पर इन बयानबाजियों में आकर क्यों अटक गया है सर प्रवीण अत्रे जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर बार बार इसीलिए पूछ रहे हैं कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या है, बातचीत के जरिए हल निकलने वाला है या फिर इसी तरीके से मीडिया में बातचीत जो बयानबाजियां हैं वार पलटवार है वो होता दिखाई देगा हमेशा? नहीं देखिए, मीडिया स्वतंत्र है अपनी तरफ से किसी भी तरह का क्याप लगाने के लिए, हम मीडिया को उसके क्याप लगाने से नहीं रोक सकते। लेकिन विप्लव देव जी ने जो उचाना में कहा, मैं पहले स्पष्ट कर चुका, हमारा विप्लव देव जी का कर्तव्य है, यही उनका काम है कि पार्टी को 90 के 90 विधानसभा सीटों पर जितवाए, और हमारे जो वहां से उम्मीदवार है उनके लिए बात करना उनका धर्म है। अभी हमारा कोई ऐसा गठबंधन नहीं है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगर भविष्य में हुआ तब हम रणनीति अपनी तय करेंगे, लेकिन आज की तारीख में हम 90 सीटों के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से देखिए एक और बड़ा स्पष्ट है, जो शब्द दुष्यंत जी ने कैथल में ये यूज किए थे, स्वाभाविक है उसकी प्रतिक्रिया आ गई थी, विप्लव देव जी ने उसमें भी कुछ गलत नहीं कहा है। प्रवीण अत्रे जी, लेकिन एक बड़ी बात, प्रवीण अत्रे जी आप देखिए, आपने साफ कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने ये भी कहा कि आगे क्या होगा इसका भी हमें पता नहीं है, कुछ भी क्या होगा अगले चुनावों में, साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जब आप ये बार बार कहते हैं कि हम 90 की 90 सीटों पर अभी तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब तो सर कहीं ना कहीं यही निकलेगा ना कि आपकी तैयारी तो एक तरफा लड़ने की अभी से? नहीं नहीं देखिए, कोई भी राजनीतिक दल यही तैयारी करता है, जब तक कोई गठबंधन नहीं हो जाता तब तक तो अभी आप गठबंधन में सर प्रवीण अत्रे जी, गठबंधन में अभी 90 सीटों पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब गठबंधन हो जाता है तब बैठ के तय किया जाता है कि कौन कहां लड़ेगा, ऐसा कोई अभी गठबंधन हुआ नहीं है, तो हम अपने प्रयास नहीं छोड़ सकते ना। प्रयास जेजेपी की तरफ से भी जा रही है तभी बयानबाजियां हो रही है दीप कमल सारण जी, प्रयास तो आप लोगों की तरफ से भी पूरी है यहाँ पर तैयारियां?
देखिए ये तो शुरू में ही मैंने बताया था कि सभी दल 90 सीटों के लिए काम कर रहे हैं, जब तक कोई आगे की राजनीतिक परिस्थिति स्पष्ट नहीं होती। और जहां तक बयानबाजी का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, वो जननायक जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी ने उचाना में ये जरूर कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि वो उचाना से दुष्यंत चौटाला के जीतने पर लोगों को दोष देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने किसको विधायक बना दिया यहाँ से। तो उन लोगों के पेट में जो दर्द है उसका इलाज दुष्यंत जी के पास नहीं है, और हम करेंगे भी क्यों उनका इलाज। हम अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी के लिए अगले चुनाव के लिए काम करेंगे। अगर किसी को लगता है कि कोई उसको लोगों ने मतलब गलत वोट ना देकर गलती कर दी और लोगों पे ही दोषारोपण करते हैं ऐसी बातों का, तो ऐसे नेताओं की समझ पर लोग भी मेरे ख्याल से ज्यादा विश्वास नहीं करते। और जहां तक देखिए कांग्रेस पार्टी का आपने इसमें जिक्र किया था, ढींगरा जी एक बार तो कह रहे थे कि जेजेपी तो खत्म ही हो गई है, लेकिन अपने बात में 10 बार 20 बार वो बीजेपी पे एक बार उन्होंने टिप्पणी की, जेजेपी पे 10 बार टिप्पणी कर दी। इनकी पार्टी का हाल वही रहेगा जो 2014 में हुआ था। 10 साल इन्होंने सरकार चलाई थी जिसका एक गुणगान करते हैं, उस सरकार की बदौलत ही सिर्फ 15 सीटें आई थी इनकी, इतनी अच्छी सरकार थी वो, और इतनी अच्छी आज के दिन पार्टी है। तो लोग इनका हाल जानते हैं और वक्त वक्त पर इनकी पार्टी के नेता खुद अपना हाल दिखा भी देते हैं। उनके अंदर विपक्ष में होते हुए भी इतनी समझ नहीं है कि कैसे राजनीति करनी चाहिए, कैसे लोगों को अच्छा संदेश देना चाहिए। ये पक्का काम है कि हर हफ्ते 15 दिन में इनकी पार्टी के नेता कोई ना कोई गलत संदेश अपनी पार्टी के लिए दे देते हैं। जो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इन लोगों को मिलता है बैठे बिठाई, मेहनत तो नहीं, मेहनत से नहीं मिलता इनकी, लेकिन ये एक प्रजातंत्र का या एक हर देश की राजनीति का एक स्वरूप है कि जो सरकार में होते हैं उससे कुछ लोगों की वक्त वक्त पर नाराजगी होती रहती है, तो उसका फायदा विपक्ष की पार्टी को मिलता है। इनेलो और आम आदमी पार्टी तो खत्म हो रही है, उनका तो उठ ही नहीं रहा है मामला। इनेलो से अलग होने के बाद आप लोगों की पार्टी जब बनी थी तो आप लोगों ने भी तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था ना, लेकिन उसके बाद विकास के हित में आप लोगों ने गठबंधन कर लिया था और चलाया भी गठबंधन, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो दो राहे ना हो जाए एक बार फिर से जैसी स्थिति बनी हुई है? कोई बात नहीं, ये तो निरंतर डेवलप होती प्रोसेस है पॉलिटिक्स, तो ये तो इवॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे जैसे परिस्थितियां बनती हैं वैसे उसके हिसाब से राजनीतिक दल फैसला लेते हैं। और हमारी पार्टी सक्षम है हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हमारे नेता आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं और अपने आप को धीरे धीरे हर स्थिति। यानी आपके वक्तव्य क्या, हम ये समझ के चले कि वक्त का ये अंदाजा है कि चलिए ठीक है वक्त है इस बार तो हम साथ हैं, यहाँ पर आगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये भी हम पर समझना होगा कि वक्त बहुत कम है और तभी ये बयानबाजियां इतनी ज्यादा तूल पकड़ रही हैं हरियाणा की सियासत में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी, दीप कमल सारण जी आपका, केवल डिंगरा जी आपका और हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन हरियाणा की सियासत में ये बयानबाजियां जो है अब वो जिस तरीके से तेजी और तूल पकड़ती जा रही है उसने एक साफ कर दिया है कि आगे आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से कल शाम को 4 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुलाकात की है, क्या बात हुई, क्या चीट हुई, ये समझने वाली बात है कि आगे इसकी दशा और दिशा हरियाणा की सियासत में इस गठबंधन को किस दिशा में लेकर जाती है। वक्त